हमारे फेसबुक चैनल को अवश्य लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारा न्यूज अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। पूर्णिया की व्यापारिक नगरी गुलाबबाग के पार्ट व्यवसायी भवन के समीप सदर थाना अंतर्गत तुलसी कॉलोनी में एक व्यापारी के घर के गेट के बाहर जिंदा टाइम बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम में 3:10 का टाइमिंग सेट था और सेकंड की सुई चल रही थी। हरे थैले में अल्मोनियम फॉइल में लाल रंग का जिंदा बम लिपटा हुआ था। पूनम डुगर के घर के बाहर दिन दहाड़े बम मिलने से मोहल्ले के लोग सहम गए और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। बताया जा रहा कि पूनम डुगर का बेटा जैसे ही दोपहर 2:30 गेट खोलकर घर से बाहर आया तो थैले में बम देखकर डर गया। पहले सोचा ये कचरा है, लेकिन जैसे ही उसमें कुछ लाल रंग का दिखा तो वो सहमा। आग की तरह बम मिलने की खबर फैल गई। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। साहस करके स्थानीय लोगों ने डंडे के सहारे बम से भरे थैले को पास के पानी भरे नाले में फेंक दिया। इसकी सूचना पुलिस को जैसे ही दी गई कि सदर SDPO, सदर थाना प्रभारी सहित सदल बल स्थल पर पहुंचे और छानबीन प्रारंभ कर दिया। साथ ही स्निफर डॉग की टीम भी पहुंची और पूरे स्थल का जांच किया। एक चौंकाने वाली बात ये भी सामने आ रही है कि 2 दिन पूर्व व्यापारी की दिल्ली में पढ़ने वाली बेटी के नाम एक गुमनाम पार्सल आया और उसमें जिंदा कारतूस और धमकी भरा शब्द था कि तुम पापा को मत बताना। और ठीक 48 घंटे बाद पूर्णिया में व्यापारी के घर पर जिंदा बम मिलने से पूरा परिवार डरा सहमा है। व्यापारी के भाई ने बताया कि किसी से कोई अनबन नहीं है और न ही कोई बैर है। सदर थाना प्रभारी जितेंद्र राणा ने कहा कि बम डिफ्यूज करने वाली टीम को सूचना दे दी गई है। पुलिस CCTV कैमरा खंगाल रही है। पुलिस के सामने लोगों ने नाले से जिंदा बम निकाला। सबसे हैरानी वाली बात, आखिर इस बम की कहानी क्या है और पार्सल में जो जिंदा कारतूस भेजा गया उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। आज हम खोल के देखते हैं तो कह रहे हैं कि उसमें टाइमिंग सेट नहीं है। क्या चीज है, हम लोग कचरा है, कचरा में फेंके ना, सफाई कर रहा है। बाद में एल्युमिनियम फॉइल में सर एकदम धोते हुए पेज नहीं करते, गर्म रहती है, उस टाइप से पेक किया, उसको खोल के देखा गया तो चीज की आवाज लगाई, उसको ले जाके पानी बगल में नाली है उसमें ले जाके एक बार गिरा है। कहाँ है और कैमरा? एल्युमिनियम फॉइल से सर पैक किया होता, जैसे अपने लोग गर्म रोटी रखने के लिए कभी कभी पैक करके ले जाते हैं उसी टाइप से पैक किया हुआ था सर। क्या था उसमें? वो बम भी था सर, उसमें डिजिटल वॉच लगा हुआ था, वो टाइमिंग शो कर रहा था 3:00 का सर, 11:12 का समय। हमारा भी थोड़ा सा, हम भी नर्वस हो गए थे सर, तो हम हिम्मत करके वो और हम हिम्मत करके उसको पानी में फेंका है। हाँ सर, हाथों हाथ उनको खबर किया जाए। हाँ, प्रशासन सर तुरंत अलर्ट हो गई सर। सर कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, नहीं सर कोई दुश्मनी नहीं है सर। हमारे ख्याल से तो बम ही था, बाकी पुलिस सत्यता पर पुलिस पहले चेक करेगी, उसके बाद ही पता चलेगा। वो इस रोड पर ही देखा हुआ था, नाले के ऊपर में, घर के बाहर में नाले के ऊपर में। वो तो पुलिस वाले बताएंगे सर। हाँ हाँ, अब वो बम सही है या नहीं, नहीं हमारी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जानकारी मिली कि इसके पहले भी आपकी लड़की बाहर पड़ती है ना, हाँ वहाँ भी एक गिफ्ट गया था जिसपे गोली थी। हाँ, उसको सीरियसली नहीं लिया गया था। कब गया? परसों परसों पार्सल गया था ना उसपे। हाँ हाँ हाँ, क्या उसपे क्या लिखा हुआ था? उसपे वो लिखा हुआ था अपने पापा को खबर कर देना और किसी को खबर मत करना। हम नहीं बता सकते हैं सर, उसमें हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है सर। उसके बावजूद भी एक गिफ्ट बेटी के पास जाना था, दूसरा गिफ्ट आपके बाहर रखना, तो ये तो पुलिस जांच करके ही बता सकती है सर। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी किसी से कोई, मेरे ऊपर किसी के ऊपर मेरा कोई शक नहीं। नहीं मैं नहीं देखा था, मैं तो वो फेंकने के बाद में देखा था, उस तब फोटो लिया था उसकी। बम तो मिला है, क्या है उसमें तो भी आएगा, जब एक्सपर्ट आएंगे तो ये ना बताएंगे। तो पुलिस से बाहर निकाला गया। हाँ तो सर क्या है वो तो जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। क्या लगता है इसके पहले सुन देंगे कि बेटी को दिल्ली में गया था, पैकेट गया था दिल्ली के बारे में हमने बता सर। परिजन बता रहे हैं? हाँ तो परिजन बता रहे हैं तो दिल्ली में ने वहाँ पे दिया है पैकेट। हाँ जो मिला हुआ डराने के लिए से किया गया
रहने की नियत से किया गया, देखते हैं उसमें जाऊँ।